Hello everyone, welcome to our YouTube channel Six Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB, and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Niger. Niger, the African Union has suspended Niger from its institution and activity due to the recent coup that overthrew the democratically elected president. The suspension will last until the restoration of constitutional order. जो अफ्रीकन यूनियन है इन्होंने सस्पेंड कर दिया है नाइगर को इनके इंस्टीट्यूशन और एक्टिविटीज से जो अभी हाल ही में रिसेंट कूप हुआ था जिसके कारण जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है उसको ओवरथ्रू कर दिया गया था ये जो सस्पेंशन है ये तब तक रहेगा जब तक रिस्टोर नहीं किया जाता वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को इन नाइगर द मिलिट्री कूप हैड है डिटेंशन तो ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मद बोजोम द कूप प्लॉटर हैव नेम्ड जनरल ऑबर एट द न्यू लीडिंग सेटिंग सिक्योरिटी कंसर्न रिलेटेड टू जिहादिश वायलेंड और नाइगर में जो मिलिट्री कुप था इन्होंने डिटेंशन में डाल दिया जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद वजोम को जो कुप प्लॉटर्स है उन्होंने जो नाम है जनरल अब्दोने टियाची का कि वो न्यू लीडर रहेंगे उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला दिया है जिहादिश वायलेंस को लेकर नाइगर और नाइगर इज अन्न लॉक कंट्री इन वेस्ट अफ्रीका इट इज अट्री स्टेट बॉर्डर बाय लिफिया इन द नॉर्थ ईस्ट चैट टू द ईस्ट नाइगेरिया टू द साउथ बेनीन बोर्किना फर्सो टू द साउथ वेस्ट माली टू द वेस्ट एंड नल्जेरिया टू द नॉर्थ वेस्ट ओवर एट्टी परसेंट ऑफ इस लैंड एरिया लाई इन दी सहारा साहेल रीजन तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मैथ बेस्ट क्वेश्चन अगर पूछता जाता है तो, कि ये कैसा कंट्री है लैंड लॉक है कौन कौन सा कंट्री बॉर्डर को टच करते है आपको मेमोराइज होना चाहिए नाइगर और जो नाइगर है ये एक लैंड लॉक कंट्री है वेस्ट अफ्रीका का ये एक यूनिटरी स्टेट है जो की बॉर्डर है लिबिया इसके नॉर्थ ईस्ट में है चैद ईस्ट में नाइजेरिया साउथ में बेनिन और बुरकिना फसो साउथ वेस्ट में माली वेस्ट में अल्जेरिया नॉर्थ वेस्ट में 80% परसेंट इसका जो लैंड एरिया है वो लाइक करता है सहारा पे साहेल रीजन पे अफ्रीकन यूनियन के बारे में भी हम जान ले अफ्रीकन यूनियन आदिश अबाबा इथोपिया फाउंडर जो थे मोहम्मद गडफिल वो एक टल यूनियन है जो कि कंसिस्ट करता है 55 मेंबर स्टेट को जो कि कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका पे फूटेड है तो ये जो है कहाँ पे है तो अफ्रीका पे लोकेटेड है अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स का कंट्री है अफ्रीकन यूनियन को अनाउंस किया गया था शायद डिक्लेरेशन में के लिबिया में नाइन सेप्टेम्बर नाइनटीन को जहा पे स्टैब्लिश किया गया था अफ्रीकन यूनियन को जो हम नाइगर के लोकेशन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं मैप बेट क्वेश्चन के लिए लिबिया ऑस्ट्रेलिया माली बोके बेनिन नाइजीरिया चाट इन सब कंट्री से ये जो है बाउंडेड है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इको एनेक्सिटी हम जानेंगे इको एनेक्सिटी के बारे में इको एनेक्सिटी रिफर टू अ क्रॉनिक फियर और वरी अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यू एंड पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज तो जो इको एनेक्सिटी है ये रिफर कर रहा है एक क्रॉनिक फियर को या वरी को जो कि एन्वायरमेंटल इश्यू को लेके है इसका पोटेंशियल है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है क्लाइमेट चेंज का इसके कारण इट इज कैरेक्टराइज सेंस ऑफ डिस्ट्रेस एंड एनेक्सिटी रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ प्लेनेट इन्वायरमेंट इन्क्लूडिंग कंसर्न अबाउट दी फ्यूचर वेलबीइंग ऑफ इको सिस्टम वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन पॉपुलशन ड्यू टू फैक्टर लाइक पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज एंड नेचुरल डिजास्टर दिस इमोशनल रिस्पॉन्स कैन लीड टू फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस सैडनेस एंड फियर अबाउट दी अर्थ फ्यूचर ये जो इको एनेक्सिटी है इसको कैरेक्टराइज किया गया है कि एक सेंस है डिस्ट्रेस और एनेक्सिटी का जो की रिलेटेड है स्टेट ऑफ द प्लेनेट इन्वायरमेंट से यह इन्क्लूड करता है जो चिंता है फ्यूचर वेलबीईंग को लेकर इको सिस्टम का वाइल्ड लाइफ का ह्यूमन पॉपुलेशन का जो फैक्टर है जैसे कि पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज नेचुरल डिजास्टर के कारण और ये इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि एक फीलिंग क्रिएट कर दे रहा है हेल्पलेसनेस का सैडनेस का और डर का अर्थ के फ्यूचर को लेके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन ओशियन डायपोल पॉजिटिव तो जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये पॉजिटिव हो गया है इसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे इसको डिटेल में अ रिपोर्ट बाय ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी सेट डेट इंडियन ओशियन डाइपोल इंडेक्स एड राइजन बियॉन्ड दी पॉजिटिव थ्रेशोल्ड जो एक रिपोर्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी का इसमें कहा गया है कि जो इंडियन ओशियन डाइपोल इंडेक्स है वो राइज किया है बियॉन्ड पॉजिटिव थ्रेशोल्ड है इंडियन ओशियन डाइपोल रिफर्स टू टेम्परेचर शिफ्ट इन द इंडियन ओशियन बेसिन इम्पैक्टिंग मॉनसून इन इंडिया पॉजिटिव इंडियन Indian Ocean इवेंट event characterized वार्मल टेम्परेचर इन in वेस्टर्न बेसिन कैन can इंडिया India's southwest मॉनसून जो इंडियन ओशियन डाइपोल है ये रिफर करता है टेम्परेचर शिफ्ट को इंडियन ओशियन बेसिन पे ये इम्पैक्ट करता है मॉनसून को भारत के जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल इवेंट होता है इसके कारण वार्मल टेम्परेचर होता है वेस्टर्न बेसिन में यह इनहेंस कर देता है इंडिया के साउथ वेस्ट को

फॉर ऑस्ट्रेलिया अ पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल इवेंट ओनली लीड टू लो रेनफॉल बिट्वी अक्टूबर एंड डिसंबर डिलेड मॉनसून ऑन सेट एंड रिड्यूज ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी और ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल इवेंट है इसके कारण कम रेनफॉल होता है अक्टूबर से डिसंबर के समय पर डिले होता है मॉनसून ऑन सेट और रिड्यूस होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिविटी इंडियन ओशियन डायपोल स्टैंड फॉर आईओडी इंडियन ओशियन डायफोल इट रिफर टू ए क्लाइमेट फिनोमिन कैरेक्टराइज बाई डिफरेंस इन थ्री थर्प टेम्परेचर बिटवीन दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन जो आईओडी है ये स्टैंड करता है इंडियन ओशियन डायपोल के लिए ये रिफर करता है क्लाइमेट फिनोमिन को जिसको कि कैरेक्टराइज किया गया है कि जो डिफरेंस है सी सरफेस टेम्परेचर पे वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इंडियन ओशियन के दो फेज है इंडियन ओशियन डायपोल का कौन कौन सा तो एक तो आपका पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है सेकंड आपका नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है दोनों को हम समझते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल इन दी फेज वेस्टर्न इंडियन ओशियन बिकम वार्मर देन दस्टर्न पार्ट दिस इंक्रीज कन्वेक्शन एंड रेनफॉल इन दी वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका एंड द अरेबियन पेनिस्ला वाइल्ड काउजिंग ड्रायर कंडीशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया जो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल है इस फेज में जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन होता है वो वार्मर हो जाता है ईस्टर्न पार्ट के कम्पेरिजन में इसके कारण इंक्रीज हो जाता है कन्वेक्शन और रेनफॉल वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन पे जिसमें कि आपका ईस्ट अफ्रीका और अरेबियन पेनेसुला जैसे रीजन भी आते हैं जबकि ड्रायर कंडीशन हो जाता है ईस्टर्न इंडियन ओशियन वाले रीजन में जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे कंट्री आते हैं नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल में क्या होता है इन दिस फेज द ईस्टर्न इंडियन ओशियन बिकम वार्मल देन दी वेस्टर्न पार्ट दिथ लीड टू हाईर रेनफॉल एंड कूलर कंडीशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया वाइल काउजिंग ड्रायर कंडीशन इन दी वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन जबकि नेगेटिव में क्या होता है जस्ट उल्टा है इस फेज में ईस्टर्न इंडियन ओशियन जो तो है वो वार्मर हो जाता है वेस्टर्न पार्ट के कम्पेरिजन में इसके कारण हाईर रेनफॉल और कूलर कंडीशन होता है ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया और, और इंडोनेशिया भी आता है जबकि डायर कंडीशन हो जाता है वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन पे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव फेज है और जो नेगेटिव फेज है उसमें क्या अंतर है यहाँ पे पॉजिटिव में आपका वेस्टर्न विंड होता है ये वीकेंड हो जाता है नेगेटिव में वेस्टर्न विंड की इंटेसिटी जो है वो हाई रहती है बस इसी तरीके से ये जो है आपका काम करता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फुजीवारा इफेक्ट हम जानेंगे फुजीवारा इफेक्ट के बारे में The वेस्टर्न coast ऑफ the स्टेट्स States एक्सपीरियंस experienced Hurricane Hillary, ट्रांसफॉर्म transformed into सब ट्रॉपिकल storm अपॉन रीचिंग the U.S. जो वेस्टर्न कोस्ट था यूनाइटेड स्टेट्स का इसने भी हाल ही में एक्सपीरियंस किया है होरिकेन हिलरी को जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया सब ट्रॉपिकल स्टॉम के रूप में जब ये पहुंचा यूएस के पास दिस इवेंट लेड टू देशनल होरिकेन सेंटर इश्यूंग इथ इनग्रल ट्रॉपिकल स्टॉम वॉज फॉर सर्टन एरिया ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया और ये इवेंट जो था इसने लेट किया नेशनल हरिकेन सेंटर को कि वो इश्यू करे इनोग्रल ट्रॉपिकल स्टॉम वॉच को सर्टेन एरियाज के लिए साउथर्न कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया हैज एन एक्सेप्शनली वेट विंटर वाइल मल्टीपल एटमोस्फेरिक रिवर स्टॉम एंड द एरिया ऑल्सो वीटनेस द इंट्रीव्यूंग फिनोमिन ऑफ द फुजीवारा इफेक्ट ड्यूरिंग वन ऑफ दिस स्टॉम वी आर टू लो प्रेशर एरिया इंट्रेक्टेड इन एन अनएक्सपेक्टेड मैनर जो कैलिफोर्निया है वहां पे एक्सेप्शनली वेट विंटर होता है मल्टीपल एटमोस्फेरिक रिवर स्टॉम के साथ और ये जो एरिया है विटनेस करता है इन फिन को इफेक्ट का जो कि वन ऑफ दिस में से है जहां पे जो लो प्रेशर होता है दो वो एरिया को इंटरेक्ट करता है इन अनएक्सपेक्टेड मैनर पे फुजीवारा इफेक्ट फुजीवारा इफेक्ट टू साइक्लोन और साइक्लॉन स्पिनिंग इन द सेम डायरेक्शन इंटरेक्ट इन ए डांस लाइक मैनर अराउंड कॉमन सेंटर इफ वन साइक्लोन इज इंगर इट कैन एब्जो विकर वन कुछवारा इफेक्ट क्या होता है जब जो दो साइक्लोन होता है या ह्यूरीकेन जब दोनों स्पेन करता है सेम डायरेक्शन में इंटरेक्ट करते हैं एक डांस लाइक मैनर पे कॉमन सेंटर पे तो जो एक साइक्लोन होता है जो कि स्ट्रॉगर होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है विकर वन को वेन ऑफ सिमिलर स्ट्रेंथ दे माइट मर्ज और रोटेट अराउंड इच अदर इन सम रेयर इंस्टेट दि टू साइक्लोन कुछ मर्ज इंटू अ मेगा साइक्लोन विद सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल और क्या होता है जब सिमिलर स्ट्रेंथ होता है तो वो मारूस कर सकते हैं व रोटेट कर सकते हैं एक दूसरे के अराउंड कुछ रेयर इंस्टेंस ही होता है जब दोनों साइक्लोन मर्ज होते हैं और मेगा साइक्लोन बन जाते हैं जिसका सिग्निफिकेंट डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल होता है फुजवारा इफेक्ट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई जैपानीज मेट्रोलॉजिस्ट फ्वेकल फुजीवारा इन नाइनटीन फुजीवारा इफेक्ट को पहली बार डिस्क्राइब किया गया था जैपैनीज मेट्रोलॉजिस्ट के द्वारा सोरे फुजीवारा के द्वारा कब 1921 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉम जो है जो कि आपका 900 हंड्रेड माइल का इन्फ्लुएंस कर रहा है एक दूसरे के स्पिन को जैसे कि जो डांसिंग स्केटर है स्टॉम जो है रोटेट कर रहा है सेंट्रल पॉइंट की ओर इवन जो सेंट्रल पॉइंट है वो मूव कर रहा है एक सिंगल डायरेक्शन पे ये आप देख सकते हैं सेंट्रल पॉइंट है ये और जो वन स्टॉम है जो स्ट्रॉन्गर है दूसरा से वो एब्जॉर्व कर ले रहा है वीकर को अपने सर्कुलेशन के दौरान यही आपका फुजीवारा इफेक्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैक्टीरिया डेट इट मिथेन तो जो बैक्टीरिया जो कि इट करते हैं मिथेन को इसके बारे में हम जानेंगे आई स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सजेस्टेड यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया नॉन एज मैथेनो क्रॉप विच कंस्यूम मिथेन पोटेंशियली स्लो डाउन द रेट ऑफ ग्लोबल हीटिंग एक स्टडी जिसको कंडक्ट किया गया था जो रिसर्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के उन्होंने सजेस्ट किया कि यूटिलाइज करके बैक्टीरिया को जिसको कि हम मिथेनोट्रॉप कहते हैं वो कंज्यूम करते हैं मिथेन को ये पोटेंशियली स्लो डाउन कर सकते हैं जो रेट है ग्लोबल हीटिंग का मीथेन जो है एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसके इमिट होता है बहुत सारे सोर्सेस है जिसमें कि एनर्जी प्रोडक्शन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर और वेस्ट मैनेजमेंट है इन सब सोर्सेस से क्या होता है मीथेन जो है आपका वो इमिट हो रहा है रिसर्चर है आइडेंटिफाइड आई स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया मिठाइलो टू माइक्रोब्रियम ब्यूरोटेनिस फाइव जीबी वन सी डेट इफिशियंटली रिमूव मिथेन इवन वेन प्रेजेंट इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन और रिसर्चर ने आइडेंटिफाई किया है एक स्पेसिफिक स्ट्रेन को बैक्टेरिया का जिसको उन्होंने कहाठाइलो टू भी माइक्रोबैक्टेरियम ब्यूरोटेनिस फाइव जीबी वन सी जो कि इफिशियंटली रिमूव करता है मिथेन को अगर वो प्रेजेंट है लोअर कंसेंट्रेशन में तब भी जैसे कि बाकी अदर प्रोसेस में क्या होता है मिथन रिड्यूस होता है स्ट्रेटेजी के लिए इस मेथड में नहीं प्रोड्यूस होता है नाइट्रो ऑक्साइड का एमिशन जो कि सिग्निफिकेंट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखता है इस कारण भी ये बेनिफिशियल हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फाइजर आरएसबी वैक्सीन तो हम जानेंगे फाइजर के आर एस बी वैक्सीन के बारे में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन टरी सिंटिकल वायरस वैक्सीनेटिंग प्रेगनेट इंडिविजुअुअल ड्यूरिंग दी लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ग्रांट कर दिया अप्रूवल फाइजर का वैक्सीन अब अबराइसो को तो ये क्या है डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है जिसका मकसद है सेवगार्ड करना न्यू बॉर्न को रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस से वैक्सीनेट करके प्रेग्नेंट इंडिविजुअल को लेटर स्टेज में प्रेगनेंसी के Abrazo has been authorized for the use in adult age 60 and above to protect them from RSV. The vaccine generates passive immunity by producing antibodies against RSV in pregnant individuals, which are then passed on to their fetus in their uterus. जो आपका अब राइसबो है इसको ऑथोराइज किया गया है उपयोग करने के लिए एडल्ट जिनका एज सिक्सटी या है प्रोटेक्ट करने के लिए उनको आरएसबी से ये जो वैक्सीन है ये जनरेट कर रहा है पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करके एंटीबॉडीज को आरएसबी के खिलाफ प्रेग्नेंट इंडिविजुअल के लिए उसको पास किया जाता है फुलटर्स में यूटेरस की मदद से अब राइसबो का अप्रूवल जो है ये बेस्ड है डिमोन्स्ट्रेशन के ऊपर इसके इफेक्टिवनेस को देखते हुए जो कि रिड्यूस कर रहा था रिस्क और सीवियर लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज का जो की आरएसबी के कारण न्यू बॉर्न को होता है लेकिन चिंता है कि ये रेस कर रहा है पोटेंशियल प्रीटर्म बर्थ का जो वैक्सीन है इसके कारण जो कि एक इश्यू है अनदर कम्पटिटा वैक्सीन के साथ इसको टैकल करने की आवश्यकता है रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस इन्फेक्शन के बारे में भी हम जान लें आरएसबी इन्फेक्शन के बारे में तो रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस इन्फेक्शन इज ए कॉमन रेस्पिरेटरी इलनेस डाइज प्राइमरली अफेक्ट इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्डर एडल्ट जो आपका रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस आरएसबी इन्फेक्शन है ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी इनरल है जो कि मेनली अफेक्ट करता है इन्फेंट यंग चिल्ड्रेन या ओल्डर एडल्ट को ये बिलोंग करता है जो फैमिली है आपका वायरस जिसको कि हम पैरामोक्सीवय कहते हैं और ये मेन काउज है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस हो गया न्यूमोनिया हो गया स्पेशली चिल्ड्रेन में जिनका एज जो है अंडर टू है ये वायरस स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के माध्यम से जहां पे इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफ या स्निच करते हैं तो उसके द्वारा और यह ट्रांसमिट हो सकता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के माध्यम से कॉन्टेमिनेटेड सर्फेस से ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक फ्रॉम एयर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ हज एंड गिव अस योर वैल्युएबल फीडबैक थैंक यू एलवे